हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके पर्सन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, और जो बोल नहीं पा रहे हैं, जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उनके क्या ऐसे भाव हैं। ओके, तो हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और पूरी तरह से इंट्यूटिव है। जनरल है बिकॉज क्योंकि ये रीडिंग सभी के लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक पर्सन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता भी है, तो आप लोगों के साथ एक्यूरेटली भी रेजोनेट कर सकती है। रेयर ऐसा होता है पर होता है, और कुछ लोगों के साथ सिर्फ कुछ परसेंट हेयर एंड देयर मैच करती है। ओके, लेकिन अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आपके लिए होगा, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग पूरी तरह से इंट्यूटिव है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओके, और सभी जोड़ी एक साइंस के लिए है ये रीडिंग, क्योंकि ये तो इंट्यूटिव रीडिंग है। इसमें जोड़ी एक साइंस का क्या लिमिटेशन, क्या रिस्ट्रिक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हर एज ग्रुप के लिए है। ओके, और अब हर एज ग्रुप का मतलब ऑब्वियसली ये नहीं कि बच्चों के लिए, पर मतलब कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वे आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। ये तो माचिस है हमारे पास, एक सेकेंड बस, अभी शुरू करते हैं। Let's start and see what do they really want to say, but they are unable to say it. Viewers, सबसे पहला word जो मुझे channel हो रहा है, ये bigger dot और ये smaller dot को जब देखा था, क्योंकि अब तो ज्यादा हो गया लेकिन सबसे पहला वर्ड जो चैनल हुआ है, देखते ही बिगर साइज और स्मॉलर साइज लगता है कंपैरिजन। द वर्ड इज कंपैरिजन, जो शब्द चैनल हुआ, ऐसा लगता है व्यूअर्स जैसे आपके पर्सन ना अपने मन में कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज को। ऑब्वियसली आपसे रिलेटेड किसी चीज को, आपसे रिलेटेड किसी विषय को, किसी इंसिडेंट को, पर कुछ ऐसा है जिससे वो अपने मन में कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर करके समवेयर वो आपको बताना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं। शायद ही उनके अंदर का बदलाव है जो आपकी वजह से उनके भीतर हुआ है, या उनकी फीलिंग्स में जो चेंज हुआ है वो कहीं ना कहीं एक चेंज है, क्योंकि चेंजेस को ही कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें कोई डिफरेंस हो उसे ही कंपेयर कर सकते हैं। तो उनकी फीलिंग्स पहले आपके लिए क्या रही, ये क्या थी, और अब वो कहाँ तक पहुँची हैं और कैसी हो गई हैं, ये एक कंपेरिजन की बात है। ये एक तुलना करने की बात है। तो मुझे लगता है कि वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो पहले से बहुत बदल गए हैं, या उनके भाव पहले से बहुत बदल गए हैं, ऑल बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से। और कहीं ना कहीं ये चेंज पॉजिटिव की तरफ आया है या नेगेटिव की तरफ आया, आगे हमें पता लगेगा, बट ऐसा लगता है जैसे प्यार में बदले हैं। पहले इतना प्यार नहीं था, या बहुत सिर्फ लाइकिंग थी, सिर्फ एक अट्रैक्शन था, लेकिन अब चीज़ें इंटेंस हो रही हैं। तो वो कंपेयर करके देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स पहले कैसी थी, उनके इमोशंस पहले कैसे थे आपके लिए, और अब क्या हैं, कैसे हैं। तो फ़र्क उनको बहुत दिखता है, देर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस विच दे नोटिस एंड ऑब्जर्व। तो ऐसा लगता है कि वो फ़र्क वो आपको भी बताना चाहते हैं, आपको भी कन्फेस करना चाहते हैं, एक कन्फेशन के रूप में, या सिर्फ आपको बताना चाहते हैं कि आपकी वजह से कितना बदल गया हूँ मैं, या कितनी बदल गई हूँ जब से आप मेरी लाइफ में आए हैं, या जब से आपका प्रभाव मेरे जीवन पर और मेरे इमोशंस पर पड़ा है, तब से मेरे अंदर एज अ पर्सन कितना चेंज आया है, कितना प्यार बढ़ गया है, या कितना इंटेंस हो गया है, कितना डीप हो गया है। दिस इज़ ऑल दे वांट टू से। देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे अभी वीडियो को, आपको यहाँ पर छोटा सा एक डॉट दिखाई देगा जो कि फिल्ड नहीं था, कैंडल वैक्स से फिल्ड नहीं था, और वो एक हार्ट शेप था, एक हार्ट शेप।
तो तभी मैंने बोला कि इनका जो फीलिंग्स का चेंज हुआ है वो एक पॉजिटिव चेंज हुआ है, यानी कि लाइकिंग से लव की तरफ गया है, अट्रैक्शन से एक डीप बॉन्ड की तरफ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे यही बोलना चाहते हैं कि अब अट्रैक्शन प्यार में बदला है, वो आपसे यही बोलना चाहते हैं कि ये लाइकिंग अब प्यार में बदली है, ये कन्फेस करना चाहते हैं। समवेयर आई कैन सी, जिस तरह से यहाँ दिख रहा है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक कोई स्टेप ले रहा है, वन बाय वन, समवन इज टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम। कोई जल्दबाजी में, कोई भाग कर कहीं नहीं पहुंचना चाहता, कोई रश में नहीं है बहुत, कोई बहुत स्पीड में नहीं है, एवरीथिंग इज काम कंपोज्ड एंड रिलैक्स्ड। तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ तो रहे हैं, बट वो आपको ये भी बोलना चाहते हैं दैट आई एम स्लो बिकॉज दिस इज हाउ आई अप्रोच थिंग्स और पीपल इन माई लाइफ। वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जल्दी में कुछ इसीलिए नहीं कर रहा, या जल्दी में कुछ इसीलिए नहीं करती, जल्दी से डिसाइड नहीं किया मैंने, जल्दी से मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, जल्दी से मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो इसीलिए नहीं क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़कर, वन बाय वन स्टेप्स लेके धीरे धीरे आगे बढ़ के मैं इस रिश्ते को स्ट्रांग करना चाहता हूँ, चाहती हूँ डीप करना चाहता हूँ। और जल्दबाजी में विश्वास नहीं रखता क्योंकि वो मेरा तरीका नहीं है, या मैं जल्दबाजी में विश्वास नहीं रखती बिकॉज दिस इज नॉट आई अप्रोच थिंग्स, दिस इज नॉट वॉट आई लाइक। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान आपकी तरफ धीमी गति से धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन होता है कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको बताना भी चाहते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ या ऐसी ही हूँ, मैं स्लोली स्लोली ही आगे बढ़ सकता हूँ। एकदम से कुछ अगर कर दो, ऐसे अचानक से करो, तो वो फेक भी लगता है, मतलब ऐसा लगेगा जैसे असलियत नहीं है, ये इंसान ढोंग रच रहा है। ढोंग रचना यानी स्वांग स्वांग रचना, दिखावा करना, प्रिटेंड करना, ऐसा कुछ है इसका मतलब। तो कुछ और दिखा रहा है, फेक कर रहा है, तो वो नहीं चाहते कि उनकी सारी चीज़ें ये सब व्यर्थ जाएँ, फेक कहलाई जाएँ, ओवर कहलाई जाएँ। वो इसी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ये बोलना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव हियर। द चैरियट नीड व्हील्स, या द चैरियट नीड व्हील्स। ऐसा लगता है कि एक चैरियट है, यानी कि एक रथ तो है, लेकिन रथ में शायद एक पहिया नहीं है, या पहिए नहीं है। एक रथ बना के रख दो, उसमें पहिए ना लगाओ, वो क्या कहते हैं उसको, व्हील ना लगाओ, पहिया ना लगाओ, तो वो चलेगा कैसे? ठीक है, तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि ना एक चैरियट पे सिर्फ घोड़े होते हैं, आगे आगे पीछे पहिए भी होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है एक चैरियट है जिसमें सब चीज़ें हैं, लेकिन पहिए ही नहीं है, तो सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है। तो यहाँ पर वो शायद आपसे ऐसा कहना चाह रहे हैं दैट आई वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि चैरियट, जब हम चैरियट को देखते हैं या चैरियट चैनल भी अगर होता है, सबसे पहले चैरियट कार्ड भी आता है दिमाग में मेरे, बिकॉज टैरो रीडिंग करती हूँ। तो जैसे चैरियट दिखता है या समझ में आता है, तो सबसे पहले चैरियट का कार्ड दिमाग में आता है, और चैरियट का कार्ड भी जो है वो मूवमेंट के बारे में बात करता है, फॉरवर्ड मूवमेंट के बारे में बात करता है, आगे बढ़ने के बारे में, आगे बढ़ के एक्शन लेने के बारे में, एक फॉरवर्ड मूव करने के बारे में बात करता है। और यहाँ पर जब चैरियट में पहिए की कमी है, ओके, देर इज नो व्हील, तो ऐसा लगता है कि जैसे चैरियट से यहाँ पर भी वो यही कहना चाहते हैं आपसे कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स यू, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ आपकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ या आपकी तरफ बढ़ना चाहती हूँ, बट आई एम हेल्पलेस और आई कांट हेल्प इट। क्यों? क्योंकि क्योंकि सपोर्ट सिस्टम नहीं है। और सपोर्ट सिस्टम का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि उनको अब कोई पहिए ला कर देगा, सपोर्ट सिस्टम सॉरी ओके, ज़्यादा हो गया एग्जांपल के अंदर, अब डीप चले गए। इसका मतलब ये है कि सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कि उनको शायद फैमिली से सपोर्ट नहीं है, एक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है, या आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्स है, या जिस तरह से आप रेसिप्रोकेट करते हो, यानी कि रिस्पॉन्स देते हो, जिस तरह से आप डील करते हो, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी उनको लैक ऑफ सपोर्ट नज़र आता है। ऐसा लगता है कि अंदर से भी मोटिवेटेड नहीं फील कर रहा मैं, और फ्रेंड्स फैमिली कोई भी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है इन दिस केस, ओके, और सिचुएशंस भी फेवरेबल नहीं है। और रही बात व्यूवर्स आपकी, तो आप भी जो जेस्चर्स दिखाते हो, या जिस तरह से रिस्पॉन्स करते हो, जिस तरह से इनको डील करते हो, वहाँ से भी इनको बहुत सपोर्टिव फील नहीं होता। देखिए, जब दो लोग दोस्ती कर रहे होते हैं तो
जो दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है वो तो है ही, वो तो ले ही रहा है, एफर्ट लेगा ही, लेकिन जिसके साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है अगर वो इंसान रेसिप्रोकेट ना करे, यानी अच्छे से कॉपरेट ना करे, अच्छे से बिहेव ना करे, अच्छे से रिस्पॉन्स ना दे, ओके कॉपरेट ना करे, तो उसका एफर्ट करना भी व्यर्थ जाएगा। तो यहाँ पर ये ऐसे ही कह रहे हैं कि ये करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, चाहे स्टेप बाय स्टेप ही सही, बट दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर रिजल्ट और रिस्पॉन्स। ऐसा लगता है कि उनको आपकी तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो एक सपोर्ट की कमी महसूस होती है, इसीलिए उनका जो चैरियट है अभी वहीं की वहीं है, एक स्टक स्टैगनेंट पोजिशन में है और वहाँ से मूव नहीं कर रहा है। जबकि चैरियट का तो यहाँ पर मीनिंग ये है कि उसको आगे बढ़ना है, लेकिन वो मूव नहीं कर पा रहा बिकॉज लैक ऑफ सपोर्ट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो किसी से तो सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हैं कि वो आप तक बढ़ क्यों नहीं रहे, आप तक पहुंच क्यों नहीं रहे, why aren't they doing something about it, वो इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पहले तो उनकी अप्रोच बहुत स्लो है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एंड सेकेंड उनको सपोर्ट नहीं है। तो ये वो बोलना चाह रहे हैं आपसे। अच्छा, थोड़ी सी बात ये कहूँगी कि जो भी वीडियोस आते हैं उसमें कोई बोलता है ये झूठ है, वो झूठ है, कमेंट्स में लोग बोलते हैं। देखिए व्यूवर्स, मैं ऑलरेडी आपको बोलती हूँ कि ये जनरल रीडिंग होती है, बहुत सारी इंट्यूशन पे बेस्ड होती है, कलेक्टिव रीडिंग्स होती है, बहुत लोगों के साथ एक्यूरेटली मैच करती हैं, तो वो बोलते हैं कि ये तो पूरी मेरी सच्चाई है, ये मेरे साथ यही सिचुएशन हुआ है एग्जैक्ट, तो उनके साथ एक्यूरेटली मैच कर जाता है। कुछ लोग होते हैं कि ये वाली बातें मेरे लिए मैच कर रही थी और ये वाली नहीं कर रही थी, बिकॉज दे नो कि ये जनरल रीडिंग है, पॉसिबल रेयर होता है बहुत कि हमसे पूरा रेजोनेट करे, एक्यूरेटली करे। तो फिर ऐसे लोग हैं जिनके साथ अगर रेजोनेट नहीं करती है तो वो ये नहीं बोलते कि मेरे साथ रेजोनेट नहीं किया ये रीडिंग, वो बोलते हैं कि ये झूठ है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं किसी को इम्प्रेस, ये किसी को कहीं ना कहीं नाराज करने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए रीडिंग नहीं बना रही हूँ। जो भी टैरो रीडिंग में या जो भी रीडिंग हो रही है उस वक्त, जो भी मैसेज है, जो भी चैनल हो रहा है, जो भी वहाँ पर कार्ड्स में जो दिख रहा है, जो भी है, वो मैं आपको बता रही होती हूँ। तो ये आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट में कभी नहीं हो सकता मेरी तरफ से, वो तो बस रीडिंग है। या तो वो मैसेज आपके साथ कहीं ना कहीं रिलेटेबल आपको लगेगा, रेजोनेट करेगा, लेकिन अगर नहीं करेगा तो मतलब वो आपके लिए नहीं है। इसमें आपका और मेरा पर्सनल कुछ नहीं है कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ बिकॉज आई डोंट नो यू। तो ऐसा नहीं है कि नाराज़ हूँ इस बात से, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आप लोग इसको समझें भी, ठीक है। इसमें कोई कस्टमाइज़ नहीं कर सकता चीज़ों को, कोई बना कर नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि जिनके साथ हो रही है वो बोल रहे हैं हो रही है, जिनके साथ नहीं हो रही वो भी बोल सकते हैं कि नहीं हो रही, बट झूठ कैसे हो सकता है। मैं झूठ तो आपसे जब बोलूँगी ना, जब मैं आपको जानूंगी, मैं आपको नहीं जानती, ठीक है। वी आर ऑल इन अ फैमिली, बट स्टिल आई डोंट नो यू पर्सनली, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा समझें आप इस बात को भी, और तो कुछ नहीं है। फिर भी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आई एम सॉरी, रीडिंग के बीच में डिस्टर्बेंस अच्छा नहीं लगा होगा आपको भी, बट मुझे याद ही इस वक्त आया। तो वो ऐसा लगता है जैसे ये बढ़ना चाहता है इंसान आपकी तरफ, बट सपोर्ट की कमी है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, जैसे कोई रास्ता हो, जैसे आप किसी गली में किसी रास्ते में मुड़ते हैं और वहाँ चलते चले जाते हैं, और आगे जाके आपको पता लगता है कि ये गली या ये रास्ता तो आगे से बंद है, आगे से ब्लॉक्ड है, दीवार बनी है या कुछ है। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है यहाँ पर भी, यू कैन सी दिस। ऐसा लगता है जैसे कोई रास्ता है, कोई पाथवे है, यहाँ से कोई जा रहा है लेकिन आगे ये बंद है, ये ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो ऐसा लगता है जैसे आगे एक रास्ता आगे जाके बंद हो गया और कोई उस रास्ते पर चल रहा था, उस रास्ते को ठीक मानकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ प्लान तो किया था आपसे, आपके साथ अपने कनेक्शन को लेकर, आपके साथ अपने रिलेशनशिप रिश्ते को लेकर, दे प्लान्ड समथिंग। उन्होंने कुछ प्लान किया, कोई विजन तो रखा था, कुछ प्लान तो बनाया था, कुछ एक्सपेक्टेशंस भी थी, लेकिन और वो उस प्लान पर चल भी रहे थे, उन एक्सपेक्टेशंस को लेकर आगे बढ़ भी रहे थे, बट आगे जाके उन्हें पता लगा दिस थिंग इज़ नॉट वर्किंग। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम प्लान बनाते हैं और सोचते हैं हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे और सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा, अब देखना क्या होगा, कैसे हम अपना गोल अचीव करते हैं, बट वो प्लान बीच में फेल हो जाता है या प्लान वर्क नहीं करता है, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे ही इन्होंने भी कुछ प्लान किया था, यानी कि कोई इनके पास आइडिया, थॉट,
कुछ इनके पास विजन था, उसी के अकॉर्डिंग चलते चले जा रहे थे, लेकिन आगे जाके वो बैकफायर किया या फेल हुआ। तो इसीलिए इन्होंने कुछ प्लानिंग की जो कि इनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं की। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ सोचते नहीं है आपके लिए, ये आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि मैंने बहुत कुछ सोचा था लेकिन वैसा हुआ नहीं, वो ये बोलना चाहते हैं। इससे ये मैसेज निकलता है कि वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने बहुत कुछ सोचा था, मैं भी बहुत कुछ चाहता था, चाहती थी, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी थी, लेकिन मैं क्या करूँ, सब कुछ मेरी सोच के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। जैसा मैं सोच रहा था, जैसा मैं चाह रहा था, चाह रही थी, सब कुछ वैसे नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वो आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि मेरा इंटेंशन तो कोई गलत नहीं था, लेकिन जैसे मैंने सोचा चाहा वैसा हुआ ही नहीं। जब भी मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ देयर इज ऑलवेज वैक्स ऑन माय हैंड, आई डोंट नो क्या है। अपने हाथ पे कर लेना चाहिए मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है, तो व्यूवर्स उन्होंने कुछ सोचा वो नहीं हुआ वैसा, आगे देखते हैं और हमें क्या मैसेज मिलता है। ओके, ऐसा लगता है किसी ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया है, जैसे हम किसी को सरेंडर करते हैं। यूजुअली ऐसा ही होता है ना कि जब आपको ऑफिशियल्स के आगे या यू नो अथॉरिटी के आगे कहीं सरेंडर करना होता है या किसी के आगे सरेंडर करना होता है तो आप दोनों अपने हाथ ऊपर करते हैं, और यूजुअली बोला भी ये जाता है हैंड्स अप, हैंड्स अप। दूसरे इंसान को अपने अंडर लाने के लिए, उसका उसको सरेंडर करवाने के लिए या सरेंडर करना भी चाहे वो, तो पहले हैंड्स अप किया जाता है। तो ऐसा लगता है कोई दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा है, जैसे कहीं सरेंडर कर रहा है। तो मुझे लगता है आपके पर्सन ने आपके आगे सरेंडर किया है। इस प्यार के आगे सरेंडर किया है। हो सकता है एक पुश एंड पुल सिचुएशन रही हो, कभी कभी उनकी तरफ से लगता हो कि ये इंसान इंटरेस्टेड है, कभी कभी लगता हो ये इंसान फील ही नहीं करता कुछ। तो ऐसा अप्स एंड डाउन्स रहे, पुश एंड पुल सिचुएशन रही, या हम कह सकते हैं ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रही, और कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा एक बैटल में थे, एक टफ फाइट दे रहे थे कि नहीं 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 है प्यार, अट्रैक्शन है या जो भी है। बट अब उनको अंदर से बदल दिया आपने, अंदर से चेंज इनके अंदर आ गया, जो हमने सबसे पहले बात की थी। सबसे पहले हमने कहा था कि आपने इन्हें बदल दिया, कंपेयर कर रहे हैं अब ये पहले कैसे थे अब कैसे हैं। तो पहले जो ये टफ फाइट दे रहे थे एक कि नहीं है, डिनाई कर रहे थे प्यार को, या कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, इस कनेक्शन में इतनी भी कोई डीप या इंटेंस बात नहीं है, जो भी कुछ है वो इग्नोर या अवॉइड या डिनाई कर रहे थे, लेकिन अब वो आपके आगे सरेंडर कर चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वो आपको मैसेज ये देना चाहते हैं, जो दे नहीं पा रहे हैं, वो मैसेज ये है दैट आई सरेंडर इन फ्रंट ऑफ यू, आई सरेंडर इन फ्रंट ऑफ लव। यस, उन्होंने सरेंडर कर दिया है प्यार के आगे, दैट्स ब्यूटिफुल। हो सकता है आपके पास कोई पेट है या उनके पास कोई पेट है, डॉग, कैट, एनीथिंग एल्स, जैसे काफ़ी लोगों के पास काव होती है, बफेलोज होते हैं, कई लोगों के पास पक्षी होते हैं। अब पक्षी को रखता है तो ऐसा पक्षी रखना चाहिए जो घर में उड़ता रहे या जो भी है, ऐसे पिंजरे में बंद करने वाला ना रखें आप, क्योंकि अब वो तो पक्षी है ना, उसको पिंजरे का नहीं सूट करता। तो पेट हो सकता है या पहले रहा होगा। Viewers, I don't know, लेकिन ऐसा लग रहा है a mother is playing with a child, with her child. The mother is playing with her child. ऐसा लगता है जैसे कोई माँ है जो अपने बच्चे के साथ खेल रही है, उसको मतलब प्यार कर रही है, उसके संग उसको हंसा रही है, उसके साथ खेल रही है, ऐसा लगता है कोई माँ है। I don't know, I think someone is pregnant in your family or around you. और अगर आप चाहते थे शायद कि आप पेरेंट बने, तो शायद आप भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं आपको भी ऐसी कोई न्यूज़ मिल सकती है
अपने आप के लिए नहीं तो कहीं और से भी आपको ये न्यूज़ मिल सकती है। बट आई कैन सी अ मदर इज प्लेइंग विद हर चाइल्ड। ओके, हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली में या आपकी फैमिली में कोई बेबी आने वाला है, या बहुत ही आपके क्लोज किसी पर्सन के घर में बेबी आया है, या उनका कोई बेबी अभी हुआ है, आई डोंट नो। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बेबी नज़र आ रहा है और मुझे एक नाम चैनल हो रहा है, अगस्त्य नाम चैनल हो रहा है। इफ आई डोंट नो व्हाई व्हाई समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खुद भी शॉक्ड हो जाती हूँ कि ये हुआ क्या, अभी क्या हुआ जस्ट। तो ऐसा लगता है जैसे कहीं कोई बेबी है, उसका नाम अगस्त्य। आई डोंट नो मे बी हो सकता है किसी का नाम है जो यहाँ चैनल हुआ है। एक माँ एक अपने बच्चे के साथ खेल रही है, एक न्यू बेबी का नाम मुझे अगस्त्य दिख रहा है, अगस्त्य जो भी है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ, आई डोंट नो, पता नहीं ये मैसेज ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम नो वेयर कहाँ से एक रोमांटिक रीडिंग में ये मैसेज आया है। समय हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा है जिसके जिसके साथ ये मैसेज रिलेटेड है या जिसके लिए है। ओके, लेट्स सी कि क्या अल्फाबेट्स हैं यहाँ पर आपके पर्सन के नाम में। उनके नाम में व्यूअर्स मुझे एच नज़र आता है, एस नज़र आता है, एल एल नज़र आता है, एन एन नज़र आता है, ए नज़र आता है, आर नजर आता है, एंड वी वी भी नजर आता है। ये कुछ अल्फाबेट्स हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं आपके पर्सन के नाम में। हो सकते हैं ये अल्फाबेट्स, यस। आप या आपके पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों में से किसी की शार्प नोज है, शार्प नोज, अच्छी नोज, अच्छी प्रॉपर शेप में शार्प नोज है आपकी या उनकी, ठीक है। थोड़ा मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे व्यूअर्स आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, पास इट टू मी, पास इट, जैसे कोई बास्केटबॉल खेलता है या कोई और गेम, आई डोंट नो, जिसमें बॉल पास किया जाता है। तो कोई अगर ऐसा गेम खेल रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कोई बोल रहा है पास इट टू मी, मुझे दो, मुझे पास करो। तो शायद ऐसा लग रहा है कि वो आपसे किसी चीज़ के लिए तो कह रहे हैं पास इट टू मी, पास इट टू मी, या तो किसी इन्फॉर्मेशन के लिए चाहते हैं कि आप उन्हें कोई बात बता दें, या कोई दुख आपके ऊपर आया है तो आप इनसे शेयर करें, ये कुछ तो है जो चाहते हैं कि आप उनको पास करें। क्या पास करना है, आई डोंट नो, कुछ कुछ उनको दे दें, पहुंचा दें उन तक। सो दिस वाज द रीडिंग। ओके, इससे पहले कि ये वैक्स दोबारा पिछली बार की तरह मेरे हाथ पर गिरे, हम इसको यहीं रखते हैं अलग दूर। ओके, या तो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने थोड़ा भी आपको हेल्प किया, गाइड किया, तो वीडियो को लाइक करें ज़रूर, और कमेंट करके बताएं कितने परसेंट रेजोनेट होती है, बताएं क्या क्या पार्ट रिलेटेबल लगा है बताएं, और मुझसे अगर कोई शिकायतें हैं तो वो भी बताएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तारीफ करनी है, अच्छी बातें करनी है, सिर्फ ऐसा नहीं, लेकिन शिकायत भी करें ना तो अच्छे से करें, मतलब ठीक है। और ड्रीम टैरो को सब्सक्राइब कर लें, बन जाए हमारी फैमिली का हिस्सा, ठीक है व्यूअर्स। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।